एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और मैं आज आपको एक बहुत पुराने मुद्दे पर लेकर चल रहा हूं। अगर आपको याद हो तो लगभग एक साल पहले हमने एक खबर आपके बीच में रखी थी बल बिहाल इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब इस खबर को हमने उठाया था तो उसके बाद में हमने इंडस्ट्रीज जो जनरल मैनेजर हैं उनसे भी बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम दिसंबर 2019 तक इस इंडस्ट्रियल एरिया को हैंडओवर करने के लिए तैयार कर देंगे। तो आज हम आए, हमने सोचा चलो एक बार हम देखते हैं जाकर कहां तक सरकार ने अपनी जो पॉलिसीज है उनको पहुंचाया है और कहां तक अब इसका को तैयार कर हैंडओवर करने के लिए तैयार कर दिया है। हालांकि मैंने बीच में भी ये खबर बीच में आपके डाली थी और अखबारों के माध्यम से भी बात आई थी कि इस इंडस्ट्रियल एरिया को आवेदन मंगवा लिए गए हैं और जो लोग यहां पर अपना शेड लेना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मैं साहब एक मुद्दा यहां पर जरूर उठाना चाहूंगा क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव हम अगर सोचते रहेंगे तो ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा बेहतरीन मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि साहब पहले तो कई साल मुझे लगता है 5-6 साल इस इंडस्ट्रियल एरिया को बने हुए हो गए, बिल्डिंग पूरी लगभग जर्जर हो गई है, फटने लग पड़ी है। और दूसरी तरफ यहां की जो व्यवस्थाएं हैं अगर मैं एक साल में फर्क दिखाऊं आपको तो मैं चाहूंगा कैमरामैन इधर से दिखाना शुरू करेंगे यहीं से घुमाते हुए। ये देखिए अभी यहां पर रिटेलिंग वॉल लग रहे हैं और यहां पर अभी रोड भी पूरा नहीं बना है। मैं आपको अपने शूज दिखाना चाहूंगा कि हमारे शूज पर लगभग 1 किलो मिट्टी जो है वो यहां पर लगी, कोई गाड़ी आ नहीं सकती, इतनी चिकनी मिट्टी है। तो जब यहां पर प्रशासन या विभाग या इंडस्ट्रीज जो इसको मेंटेन कर रहे हैं अगर उनकी हम बात करें तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि साहब अभी एक साल में आपसे रिटेलिंग वॉल लगी यहां पर और अभी तक कोई भी काम ना तो रोड प्रॉपरली यहां आया है, इवन देन यहां बिजली भी नहीं लगी है। बीच में बात हुई थी कि पानी के पाइप यहां डाल दिए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझूंगा, अगर बाहर जो भी सरकारें डेवलप करती हैं किसी इंडस्ट्रीज को तो सबसे पहले वो क्या करती हैं, वहां पर रोड बनाती हैं, फिर बिजली लगाती हैं, पानी की सुविधा देती हैं, अपने शेड बनाती हैं, सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद में टेंडर निकालती हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, लोगों को लगता भी है कि उनको अब इंटरेस्ट में वो जो जगह मिलेगी उसका कुछ फायदा मिलेगा। साहब ना तो यहां पर बिजली है अभी, ना तो रोड की हालत ठीक है, ये रिटेलिंग वॉल लग रहे हैं, बिजली का यहां कोई व्यवस्था नहीं है। मगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये बिल्डिंग क्रैक हो गई यहां से और ऊपर से बिल्डिंग अगर देख रहे हैं तो ऊपर भी बिल्डिंग लगभग क्रैक हो गई है। तो सरकार इतने लंबे समय से इसको बनाने के बाद में आज ये रोड बनाने का प्रयास कर रही है, ये रिटेलिंग वॉल। मुझे लगता नहीं कि अभी एक 6 महीने से पहले ये किसी को हैंडओवर कर सकते हैं। फिर इतना पैसा जो लगाया जाता है, पहले करोड़ों रुपए लगा देते हैं, उसके बाद 5-5, 7-7 साल कोई पूछने वाला नहीं होता है, अधिकारी झूठे बातें करते हैं। उनका ये कहना था कि दिसंबर तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे जबकि ये बात मैंने जून और जुलाई में की थी, मतलब उस टाइम भी 6 महीने का टाइम था उनके पास इसको कंप्लीट करने का। लेकिन आप तो जानते ही हैं इन लोगों का रवैया कितना हल्का होता है, कितना ढीला होता है, किस तरह से कार्य किए जाते हैं, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। तो इस खबर को मैं आज दोबारा आपके बीच में रख रहा हूं। ये 7 शेड यहां पर बने हुए हैं, अब मुझे पता नहीं इसके कितने आवेदन अभी तक आए हैं, इस पे बात की जाएगी, जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज विजय चौधरी जी हैं उनसे बात की जाएगी और उनसे समझा जाएगा कि साहब आपने बोला था दिसंबर तक इसको हैंडओवर कर देंगे, आपने तो अभी बिजली भी यहां नहीं लगाई, बिजली भी आप उधार की ला रहे हैं, देखिए तार लेकर आए हुए आप कहीं से, और रोड भी आपका कंप्लीट नहीं है, पूरी मिट्टी इसके ऊपर, आदमी आ नहीं सकता, गाड़ी आ नहीं सकती बारिशों के समय में, तो ये मटेरियल इसीलिए काम रुका हुआ होगा क्योंकि बारिश में गाड़ी नहीं आ सकती। अब जैसे कि हम इस इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसका शेड जो बना हुआ है किस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर मेरा जो हाथ बाया जा रहा है कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इसका जो नेम प्लेट लगा है, इसका जो शिलान्यास किया गया था वो यहां किया गया था। अब अगर यहां से अगर आप दूरी देखें तो इसकी जो है वो करीब करीब 200 मीटर से ज्यादा दूरी है, यानी ये शिलान्यास यहां पर किया था और ये बनाया वहां था। अब दूसरी चीज यहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनका ये कहना है कि भाई देखो बिजली तो हम दे रहे हैं इनको और मेरे ख्याल से बिजली जा भी इन घरों से रही है, तो इन घरों से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसका अर्थ ये है कि अभी विभाग ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है कि यहां पर पहले कोई बिजली की व्यवस्था करते उसके बाद इस कार्य को करते। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इनके पास में, जैसा मन कर रहा है वैसे करते जा रहे हैं। तो जब कोई काम का आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होता है तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कई बार चीजें गलत हो जाती हैं तो फिर उनको ठीक करना, उनको रिपेयर करना,
इस तरह से चल रहा है। और दूसरा एक बात यहाँ पर स्थानीय लोगों का एक और भी कहना है कि यहाँ जो लेबर आती है वो सबलेट करके उनको काम दिया गया होता है, तो 5-7 दिन काम करते हैं, उनकी जो लेबर है वो उनको नहीं मिलती है, उनका पैसा उनको नहीं मिलता है, फिर वो भाग जाते हैं, दूसरी कोई लेबर आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है, विभागों की, सरकार की कमी है कि जो एक प्रॉपर रणनीति है किसी कार्य को करने की उसके ऊपर फॉलो नहीं किया जाता है, तो अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग जैसी बात चलती हुई आ रही है, तो इसीलिए ये काम डिले होते हैं। और जैसे कि मैं आपको ये देखिए दिखा रहा हूँ, ये रोड बन रहा है, इस रोड के ऊपर नीचे जाने का अर्थ ये है कि कम से कम भी अगर बारिश के टाइम में जाएं तो 2 किलो मिट्टी आप शूज में अपने लेकर जाएंगे साथ में नीचे तक, और पहुंचना ही मुश्किल है। तो अभी 12-15 दिन से जैसे कि यहाँ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि काम रुका हुआ है, अब जो लेबर आई थी वो काम कर रही थी लेकिन उनको भी पैसा नहीं मिला, वो भी भागी। तो इन सब में क्या बात है, ये जो है वो इंडस्ट्रीज जो विजय चौधरी जी हैं जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज, उनको इस बात को जरूर देखना है कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि दिसंबर तक हम इसको तैयार कर देंगे, हैंडओवर कर देंगे, साहब अभी तो ये आपका पूरा ही नहीं है, हैंडओवर तो बड़े दूर की बात है, आप इसको पूरा तो कर लीजिए। इसको पूरा करने में ही मुझे लगता है कि आपके पसीने छूट जाएंगे, अभी आप 1 साल और लगाएंगे। तो ये विषय मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। तो कुल मिला के मैं यहां पर जो विभाग हैं उनकी इस बार में निंदा कर रहूंगा कि आप लोगों का काम करने का जो तरीका है बड़ा ही ढीला है, कोई जवाबदेही आपकी नहीं है। मीडिया खबर उठाएगा तो 2-3 दिन आप लोग हरकत में आएंगे, 2-3 दिन तक आपकी नींदें जो है वो इधर ध्यान भटकाने के लिए आ जाएंगी, उसके बाद में फिर आप सो जाएंगे। तो कितने भी इंडस्ट्रियल एरिया बना लीजिए आप कितनी भी बात कीजिए, लेकिन आपके कार्यों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो नहीं है। तो इस मुद्दे को मैं आप यहां पर आज लेकर चल रहा हूं, बल बिहाल इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात कर रहा हूं जो कि बिजड़ से दंगोटा जाने वाले रोड पे ये 7 शेड बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कैमरा मैन एक बार ऊपर से दिखाएंगे ये 7 शेड बने हुए, और मैं इधर थोड़ी मिट्टी गीली है ना तो मैं आपको आगे भी ले जाकर दिखाता, ये बिल्डिंग साइड से फटी हुई है, मैं इधर से अगर आपको दिखाता तो ये बिल्डिंग भी लगभग पीछे से क्रैक है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन मेरे साथ आए, हम दिखाते हैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में भी। तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूं, ये देखिए ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग देखिए क्रैक होगी है, ये बिल्डिंग क्रैक होगी। और ये मैं इधर दिखा रहा हूं, ये देखिए ये इधर झाड़ फूल से सारा कुछ झाड़ियां चढ़ी हुई हैं, इधर से आप रोड बना रहे हैं। तो कुल मिला के कोई बड़ा डेवलपमेंट अभी 1 साल में आपने नहीं किया, 1 साल के अंदर आप ज्यों के त्यों से वे रोड खोदने में और रिटेनिंग वॉल लगाने में लगे हुए हैं। तो साहब मतलब बड़ा दुख होता है जब आप इतना पैसा लगा के यहां डंप कर देते हैं, उसके बाद में सुविधाएं समय से नहीं देते हैं, तो आपकी कार्यशैली दिखती है। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि साहब छोटी छोटी बातें हैं, पैसा आपके पास है, कोई कमी बजट की नहीं है, सरकार पैसा दिल खोल के खर्च कर रही है, कर्ज लेके खर्च कर रही है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के बाद में, कर्ज लेने के बाद में अगर आप इस तरह की व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि 6-6, 5-5 साल तक ये बिल्डिंगें ऐसे खड़ी रहेंगी, जर्जर हो जाएंगी, और उसके बाद आप वादा करेंगे, दावा करेंगे तरक्की का, तो कहीं भी समझ में नहीं आता है। फिलहाल मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि बने रहिए इसी तरह से आप हमारे साथ में, और भी बहुत सारे मुद्दे आपके क्षेत्र के इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम आपके बीच में, अधिकारी के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।